टॉन्स वन प्रभाग प्रोला के डेपो सुबोध काला का क्रांतिकारी कदम। पेरूल से हैंडक्राफ्ट बनाने का प्रशिक्षण देकर 32 महिलाओं को बना रहे हैं आत्मनिर्भर व उद्यमी। उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी का प्रमुख कारण पेरूल से हैंडक्राफ्ट बनाने का यूनिक आइडिया बन सकता है रोजगार का बड़ा माध्यम। हमने यहाँ पे महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोकल अवेलेबल बांस, रिंगाल और पेरूल इसके उत्पादनों का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया इसके उत्पादों का। और हम ये सोचते हैं कि महिलाएं इसको बनाएंगी तो इसके बाद अपना रोजगार यहाँ पर इनका खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा और इनको अपना एक अच्छा रोजगार का मिल जाएगा यहाँ पर। बताते चले कि उत्तराखंड की सरकारों ने जंगलों में हर साल लगने वाली आग को रोकने के लिए पिरुल को लेकर अनेक योजनाएं बनाई हैं, पर अभी तक कोई भी योजना सफल नहीं हुई है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये है जैसे कि पिरुल से बनी हुई चीज़ें, काफ़ी मात्रा में हमारे पास चीड़ है यहाँ पर जिससे पिरुल वेस्ट होता है पूरी तरीके से। तो हमने सोचा इस तरीके के कई प्लेट्स हो गए, बकेट्स हो गई, जो हम कई तीर्थ स्थानों में भी दे सकते हैं। प्लास्टिक को जितना हद तक हो सकता है हम सोच रहे हैं कि हटाया जाए और हिमालय को और अपने इस प्रकृति को बढ़िया तरीके से सेफ रखने के लिए हम नेचुरल चीज़ों का, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। ऐसे में टोंस वन प्रभाग प्रोला के डीएफओ सुबोध काला द्वारा पिरुल से हैंडक्राफ्ट बनाने का प्रशिक्षण अनोखा ही नहीं अपितु क्रांतिकारी है। पिरुल से बने उत्पादों के प्रति अगर रुचि बढ़ेगी तो वनों में लगने वाली आग पर काबू तो होगा ही, साथ में पलायन जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों की एक नियति बन चुकी है पर भी ब्रेक लगेगा। हम लोगों ने ये शुरुआत करी श्रीमान काला जी डीएफओ जी के संरक्षण में, कि हमने शुरुआत करी 32 लोगों की ट्रेनिंग से, जिसमें हम पिरुल, बांस और रिंगाल जो यहाँ के एक नेचुरल चीज़ें हैं उनसे हम कैसे चीज़ों को उत्पाद बना सकते हैं और कैसे हम एक स्वरोजगार को बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कई लोग हमारे ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट हैं रिंगाल के हैं, लेकिन उनको एक मार्केट नहीं मिल पाता है, आगे एक स्वरोजगार का एक चैनल नहीं बन पाता है। तो उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं ताकि हम इनको एक स्वरोजगार के लिए भी स्टार्ट कर सके। जैसे कि पिरुल से बनी हुई हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम फल कंडियाँ, प्लेट्स हो गई, पेन स्टैंड हो गए, टी कोस्टर्स हो गए, ऐसे ही रिंगाल से बने हुए हमारे डस्टबिन्स हैं, प्लेट्स हैं, फ्रूट बकेट्स हैं, ऐसे ही हमारे बांस से बने हुए मोबाइल स्टैंड्स हो गए, गुलदस्ते हैं, कप्स हैं, मग्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि बनाएं। पहला टारगेट अभी हमारा मोबाइल स्टैंड्स का है, क्योंकि मोबाइल एक बेसिक ज़रूरत हो गई है सब लोगों की, तो उसके लिए हम सबसे पहला काम मोबाइल स्टैंड पे कर रहे हैं। काफ़ी फिनिशिंग से हमने स्टार्ट किया है, लास्ट हमारा एक जो फाइनल अच्छा एक टचिंग पॉलिशिंग दे के हम यहाँ तक पहुँचे हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि एक हमारा ही फाइनल डेमो तैयार हो गया है। तो काला सर के साथ में हम लगे हैं ताकि एक अच्छे अच्छे मार्केट पर इन्हें पहुँचाएँ। प्लास्टिक का बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने उसको अवॉइड करके सोचा है कि हम इस तरीके के रिंगाल के बने हुए क्रैश बीन्स यूज़ करें। राज्य पुरस्कार से सम्मानित काफ़ी लोग हैं हमारे एरिया में जो लोग बेचारे आगे काम नहीं कर पाए। डीएफओ सुबोध काला ने बताया कि उनके द्वारा वन प्रभाग कार्यालय परिसर में एक वर्कशॉप के माध्यम से 32 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पिरुल, रिंगाल व बांस से हैंडक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। नमो न्यूज के लिए टोंस वन प्रभाग प्रोला से गजेंद्र सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये है जैसे कि पिरुल से बनी हुई चीज़ें, काफ़ी मात्रा में हमारे पास चीड़ है यहाँ पर जिससे पिरुल वेस्ट होता है पूरी तरीके से। तो हमने सोचा इस तरीके के कई प्लेट्स हो गए, बकेट्स हो गई, जो हम कई तीर्थ स्थानों में भी दे सकते हैं। प्लास्टिक को जितना हद तक हो सकता है हम सोच रहे हैं कि हटाया जाए और हिमालय को और अपने इस प्रकृति को बढ़िया तरीके से सेफ रखने के लिए हम नेचुरल चीज़ों का, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें।